एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं क्योंकि ये वीडियो इतना जबरदस्त है और हार्ट टचिंग होने वाला है। तो वीडियो है 100 इयर्स ओल्ड बूढ़ी अम्मा जो है वो यूपी में जो है वो गई है पुलिस स्टेशन में अपनी चप्पल की तलाश में, एंड वहां पर क्या सिनेरियो हुआ है वो आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। किसी फिल्म से कम नहीं होने वाला ये सीन। सो इमोशनल भी होगा, हार्ट टचिंग भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोज आप लोगों को मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। योगी आदित्यनाथ भी ये खबर देखकर कहेंगे यूपी पुलिस जिंदाबाद। 100 साल की बूढ़ी माँ थाने पहुंची, बोली बेटा मेरे पैर जल गए हैं। थाने में आई अपनी पीड़ा लेकर, वर्दी में मिला बेटा तो भूल गई दुख। एक तस्वीर है, एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 100 साल होगी, एक पुलिस का जवान है, कुछ और तस्वीरें हैं और एक ऐसी कहानी कि अगर योगी तक पहुंच गई तो फिर ऐसे पुलिस कर्मियों को इनाम मिलना ही चाहिए, क्योंकि बुलडोजर के साथ चाहिए एक ऐसी पुलिस जो समाज की भावनाओं को समझ पाए। माँ आई थी एक शिकायत लेकर, उम्र ज्यादा है तो वो भूल गई कि घर में है या थाने में। बोली बेटा धूप से पैर जल गए, एक चप्पल दिला दोगे क्या? कहानी मार्मिक तो लिखते हैं लेकिन कई बार कहानी दिल को छू लेती है और मन कहता है हर चेहरे में एक इंसान होना चाहिए। अब हम आपको कहानी बताते हैं जो एकदम सच्ची घटना है। कानपुर देहात के मूसा नगर थाने के गांव नगीना गांव की एक बूढ़ी माँ थाने में अपना घर समझकर पहुंच गई। वहां मिले वर्दीधारी तो माँ कुछ समझ नहीं पाई। पहले पुलिस वालों को लगा कि कोई समस्या होगी, लेकिन तभी कांस्टेबल नीरज कुमार यादव से मुलाकात हो गई। आगे नीरज और उस बूढ़ी माँ के बीच क्या बात हुई वो खुद नीरज यादव ने बताया है, जिसको शेयर करते हैं तेज तदार IPS नवनीत सिकेरा। वो नीरज की तारीफ भी करते हैं और लिखते हैं हर इंसान अगर ऐसा करे तो फिर समस्या कम हो जाएगी। कांस्टेबल और 100 साल की बूढ़ी माँ में जो बात हुई वो काफी मार्मिक है। नीरज कुमार यादव ने अपने फेसबुक पर लिखा है, करीब दोपहर 2 बजे मैं थाने में बैठा था, तभी मैंने देखा थाने के सामने एक बूढ़ी माँ आ रही थी जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष से ज्यादा थी। वो थाने में आई, मैं उनके पास गया तो वो कुछ बताना चाहती थी। मैंने सबसे पहले उनको अपने पास ले जाकर बैठाया, फिर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मैंने पूछा, हाँ दादी अब बताओ? तो बोली, लाला हमारे पास चप्पल नहीं है, मेरा पाँव जल रहा है, हमें एक चप्पल दिला दो। मैंने कहा ठीक है दादी, अभी दिला देता हूँ। मैंने तुरंत चप्पल मंगाई, उन्हें पहनाया, फिर उनसे पूछा कुछ खा लीजिए। उन्होंने मना किया कि नहीं लाला कुछ नहीं खाना है। मेरे कई बार कहने पे उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, लाला 5 रुपए का अंगूर मंगा दो। बस मैंने उन्हें 1 किलो अंगूर मंगाया, उन्हें दिया और वो खाने लगी। मुझे भी बोली, लाला तुम भी खा लो। मैंने भी खाया उनके साथ। फिर मुझसे बोली, लाला का नाम बा? मैंने अपना नाम बताया। फिर पूछी कहाँ से हो? मैंने बताया इलाहाबाद से हूँ। दादी जानती हो इलाहाबाद? तो बोली हाँ, मेला लगता है ना वहाँ पर। मैंने कहा हाँ, क्या गई हो आप कभी? बोली नहीं लाला गए तो नहीं है। मैंने पूछा चलोगी मेरे साथ? तो हंसने लगी। मैंने पूछा दादी आप आई कहाँ से हो? तो उन्होंने अपने गांव का नाम बताया जो मेरे थाने से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। मैंने पूछा कैसे आई वहाँ से? तो उन्होंने बताया कि गाड़ी से आई यहाँ तक। मैंने उन्हें किराया भी नहीं दिया। मैंने पूछा क्यों? तो हंसकर बोली मेरे पास पैसा ही नहीं था। मैंने पूछा गाड़ी वाला कुछ बोला तो नहीं? बोली नहीं नहीं कुछ नहीं बोला। उस गाड़ी वाले को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसकी मानवता पर, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। फिर दादी को हमारे दीवान जी ने गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर को बता दिया जहाँ दादी बोलेंगी उन्हें उतार देना। ऐसे लोग आए तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, बहुत आनंद आता है। जय हिंद। हमारे सहयोगी अभिषेक शांडिले ने कांस्टेबल नीरज कुमार यादव से बात की और पूछा कि वो सिर्फ चप्पल लेने आई थी या बात कुछ और थी। पहले बूढ़ी माँ को अपने घर भेजा, फिर मैं उनके घर गया, देखा कि कोई दिक्कत तो नहीं। गांव नगीना में उनका परिवार रहता है। मुझे लगा कि माँ ऐसे ही भटक कर थाने आ गईं। बेटों को भी माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। हमारा काम है एक एक व्यक्ति की सुनना और फिर उनकी खुशी के लिए काम करना। अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर में नजर आ रही बुजुर्ग महिला भुलावई गांव की रहने वाली है। ये तस्वीरें थाने में दाखिल होने के कुछ वक्त बाद की है। देखिए, थाना प्रभारी मुकेश कुमार के सामने वाली कुर्सी पर ठेठ देसी अंदाज में दोनों पांव ऊपर कर कुर्सी पर बैठी बुजुर्ग माँ के चेहरे पर डर की लकीर तक नहीं है।
लेकिन जब वो अपनी समस्या लेकर कोतवाली पहुंची थी तो बेहद डरी सहमी थी। वो कुछ कहते हुए सकपका रही थी। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बुजुर्ग माँ की इस परेशानी को भांप लिया, अपनी टेबल के पास ले गए, प्यार से कुर्सी पर बैठाया, उनसे घर परिवार की बात की, मिठाई मंगाकर खिलाई और फिर उनकी समस्या सुनी। थाने से जब ये बुजुर्ग माँ लौटी तो यूपी पुलिस को लाखों दुआएं देती हुई निकली, क्योंकि ये समस्या का निपटारा जिस तेजी से हुआ, जिस अंदाज में हुआ, इस बुजुर्ग माँ को इसका यकीन तक नहीं था। मुकेश कुमार हूँ या नीरज यादव, उत्तर प्रदेश की सीएम योगी की नजर हर पुलिस वाले पर है और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे पुलिस वालों को वक्त आने पर इनाम भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत। तो ये था हमारा आज का वीडियो, काफी इमोशनल, काफी हार्ट टचिंग। एंड टू बी ऑनेस्टली इस तरह की पुलिस वाले बहुत कम मिलते हैं एंड नो डाउट यूपी में इस तरह की पुलिस वाले देखकर सीरियसली योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक दिल से रिस्पेक्ट बन गई और ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट मतलब उन्होंने जिस तरह से सिस्टम बनाया है उसके बाद जाहिर सी बात है ये पुलिस वालों का ये रवैया देख के बहुत ही अच्छा लगा। और इवन दो जब योगी आदित्यनाथ जी भी ये देखेंगे तो उनको भी खुशी होगी और वो भी जो है वो इनाम भी देंगे, जाहिर सी बातें अप्रिशिएट तो करेंगे ही। और हमेशा से होता भी ऐसे ही आया, जब कोई अच्छा काम करता है तो उनको अप्रिशिएट तो हमेशा गवर्नमेंट करती है। और यहाँ पर एक बेटे की वाइब्स भी नजर आई कि देखो एक पुलिस मैन जो है उसने अपने एक बेटा होने का भी फर्ज निभाया और ये साबित किया कि दूसरों की माएं अपनी माएं ही जैसी ही होती हैं। और उनको जूता लेकर दिया, फौरन उनके कहने पर जूता लेके दिया और उनके घर तक विजिट किया, अंगूर मंगवाए उनकी ख्वाहिश पर। तो ये एक मतलब प्यार और मोहब्बत है और एक इंसानियत है सबसे बड़ी बात। और अपनी ड्यूटी निभाते निभाते उन्होंने अपने एक बेटा होने का भी फर्ज निभा दिया और जो है वो उनको अपने घर में घर तक पहुंचाया अपनी गाड़ी में। उसके बाद उनके घर विजिट किया कि कहीं कोई मसला तो नहीं है, शायद भूल गई हूँ बताना या फिर शेयर ना कर सकी हूँ, तो उसी शक पर जाकर उन्होंने चेक किया कि कोई मसला तो नहीं है। सो इन लोगों की जो कन्वर्सेशन है वो बहुत जबरदस्त थी और वाकई में यार एक ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई पुलिस स्टेशन में बैठी है, ऐसा लग रहा था कहीं इंटरव्यू दे या फिर कोई घर में बैठी हैं। कि जिस तरह का उनका वे ऑफ टॉकिंग था, बिहेवियर था, एटीट्यूड था, सो काफी अच्छा लगा। और पुलिस मैन जो है उनकी माँ बाप को भी कितना खुशी फील हुई होगी कि देखो हमारे बेटे को हमने कैसे संस्कार दिए हैं, कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतनी रिस्पेक्ट हमारे लिए और ज्यादा बढ़ा दी। तो बहुत अच्छा लगा और पुलिस वालों ने नो डाउट जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, सुनने में आ रहा था यूपी में जिस तरह से इससे पहले कितनी दंगे फसाद होते थे, चोरियां होती थी, बहुत कुछ होता था, लेकिन अब जो है अब कुछ भी ऐसा नहीं होता। और योगी आदित्यनाथ जी कहने के बाद फिर बुलडोजर वाला सीन तो शुरू हुआ ही था, लेकिन अब पुलिस वाला भी बड़ा फेमस हो जाना है, यकीन मानो मैं बता रही हूँ, बुलडोजर वाले बाबा, पुलिस वाले बाबा। तो ओवरऑल काफी अच्छा लगा और एक इंसानियत जरूरी होती है। देखो आप कोई भी काम कर रहे हो ना उसमें आपको इंसानियत जरूरी है। अब नरेंद्र मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर देखो वो हर किसी के बीच में घुल मिल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, बच्चे हों बड़े हों जो भी हों, अच्छा छोटी बड़ी जगह कोई भी हो वहां पर खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, वहां पर ये नहीं है कि चिढ़ करें, वो मिल जाते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बचपन से उनको जानते हैं। तो ये होती है एक अच्छे इंसान की बात और नरेंद्र मोदी जी में भी वही है। तो कहते हैं ना जैसा लीडर होगा वैसी आवाम होगी, जैसी आवाम वैसा लीडर। तो लीडर है अच्छा तो आवाम का अपने गवर्नमेंट के सिस्टम अच्छा है और शायद यही रीजन है कि आज इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया इतनी सक्सेसफुल है। रीजन यही है कि अच्छे ऑनेस्ट लोग मिले हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा ये एक सीन नहीं था, इसमें दूसरा पार्ट तो हमने डिस्कस ही नहीं किया जिसमें वो मिठाई वाला पार्ट था कि मिठाई लेकर आए वो खाई, मतलब इस तरह से एक नहीं है बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज है जो तो हमारी नजरों से गुजरते ही नहीं है। और दूसरी बात बहुत सारे पुलिस वाले तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रिश्वत के अलावा उनको कुछ नजर ही नहीं आता, लोगों से सिर्फ वो पैसा बटोलना जानते हैं, उनको नहीं होता कि भाई
ये इंसान है, इनसे ही हम लोगों को सैलरी मिलती है, इनके टैक्स में से हमें सैलरी मिलती है, हम इनके सर्वेंट है, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है। बट नहीं, वो हमारे ऊपर आंखें दिखा रहे होते हैं और मतलब चीट करके पैसे निकालते हैं। तो इस तरह से भी होता है, अपनी जॉब का जो है ना वो वर्दी का फायदा उठाते हैं, ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं। और लेकिन यूपी वालों को देख के ना आज टू बी ऑनेस्टली दिल से सैल्यूट करने को दिल करता है। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा वीडियो था और दिल को छू गया। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।